बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे आसन जो कि लिवर और किडनी की बीमारियों को दूर करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं ये आसन किस प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन। इसे करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं, दोनों पैरों को साथ में रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इसके बाद बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें। अब दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर सामने रखें, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों और गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब दूसरी तरफ से यही प्रक्रिया दोहराएं। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर वापस आ जाएं। तो इस प्रकार किया जाता है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। अब हम करेंगे आज का दूसरा आसन जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बैठ जाएं। अब आप दोनों पैरों को सामने फैला लें, पीठ की पेशियों को ढीला छोड़ दें, सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आप कोशिश करें अपने हाथ से उंगलियों को पकड़ने की और नाक को घुटने से सटाने की। धीरे धीरे सांस लें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपने हिसाब से इस अभ्यास को धारण करें। धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाते जाएं। इस प्रकार पूरा होता है एक चक्र। इस तरह से आप एक बार में 3 से 5 बार चक्र कर सकते हैं। तो ये थे आज के वो दो आसन जो कि लीवर और किडनी की बीमारियों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। अगर आप एक सही उम्र से ही इन आसनों का अभ्यास शुरू कर दें तो आपको जीवन भर कभी भी किडनी और लीवर संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। हाँ, इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अपना खान पान उचित रखें, नियमित लाइफस्टाइल बनाए रखें, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। फिर दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक और नए आसन के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।